इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज मोदी विरोधी नेता नॉनस्टॉप जुलाई जुलाई कर रहे हैं। राहुल गांधी की टाइमलाइन पर, कांग्रेस की टाइमलाइन पर बार बार यही जुलाई शब्द आया। वैक्सीन नहीं आई, जुलाई आ गया, यह कहा गया। मगर जिस वक्त राहुल जुलाई जुलाई की बात कर रहे थे, उसी वक्त अमेरिकी सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने जुलाई ही की एक नई इंटरनेशनल रेटिंग जारी की। यह वो एजेंसी है जो हर हफ्ते दुनिया के 13 नेताओं की रेटिंग तोलती है और यह बताता है कि 7 दिन के मूविंग एवरेज में कौन सा लीडर ऊपर है और कौन सा ग्लोबल लीडर नीचे है। जून के आखिरी हफ्ते में जो सर्वे हुए उसका नतीजा जुलाई के पहले हफ्ते में आया है और इस बार नतीजा ऐसा है जो राहुल गांधी को कम से कम अच्छा नहीं लगेगा। दुनिया के टॉप 13 वर्ल्ड लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग देख लीजिए। 1 जुलाई 2021 तक यानी चंद घंटों पहले अपडेट हुए आंकड़े बताते हैं कि 67% की रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी टॉप पर बने हुए हैं। दुनिया के सारे लीडर्स का ग्राफ या तो घट रहा है या फिर जस का तस बना हुआ है, लेकिन मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे लीडर हैं जिनकी अप्रूवल रेटिंग में इजाफा हुआ है। मॉर्निंग कंसल्ट के आंकड़े बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और यही बात कुछ लोगों को, कुछ इंटरनेशनल गैंग्स को पच नहीं रही है और ये खबर छप रही है। सोचिए, एक इंटरनेशनल एजेंसी के सर्वे में मोदी टॉप पर हैं, मगर इसके उलट द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार ये छापता है कि मोदी पॉपुलर हैं, इसलिए मोदी विरोधी स्क्रिप्ट लिखने वालों को, मोदी से नफरत करने वालों को हायर करो। सवाल ये है कि इन विदेशी संस्थानों को मोदी से इतनी दिक्कत क्यों है? क्या किसी ने मोदी के खिलाफ जानबूझकर माहौल बनाने के लिए इन्हें ठेका दे रखा है? आज हम सबकी पोल खोलेंगे, एक एक एक्टर को एक्सपोज करेंगे। मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल गैंग ने सुपारी ले रखी है। 3 बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स को लेकर है, दूसरा खुलासा न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से जुड़ा हुआ है और तीसरा सबसे बड़ा खुलासा यह है कि इसमें सॉलिड चाइनीज एंगल निकलकर सामने आया है। एक एक बात चौंकाने वाली है। सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं। इस अखबार ने तो इस बार हद ही पार कर दी है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के नाम पर मोदी से नफरत करने वाले गैंग को ओपन इनविटेशन दिया है, जॉब डिस्क्रिप्शन के बहाने एजेंडा चलाया है और इशारों इशारों में मोदी विरोधियों से कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एंटी इंडिया स्क्रिप्ट लिखो और मोटी तनख्वाह लो। 1 जुलाई 2021 को इस अखबार ने लिंक्डइन पर जो जॉब रिक्रूटमेंट पोस्ट की है वो बेहद चौंकाने वाली है। इसमें हायरिंग की शर्तें देखकर ऐसा लगता है जैसे बिना हिंदू विरोधी हुए या फिर एंटी मोदी हुए न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉब पाना बेहद मुश्किल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के विवादित जॉब पोस्ट में कहा गया है कि भारत का भविष्य अब चौराहे पर खड़ा है। मिस्टर मोदी देश के हिंदू बहुसंख्यक पर केंद्रित एक आत्मनिर्भर बाहुबली राष्ट्रवाद की वकालत कर रहे हैं। मोदी का ये विजन उन्हें आधुनिक भारत के संस्थापकों के अंतरधार्मिक बहुसांस्कृतिक लक्ष्यों से अलग रखता है। भारत सरकार ऑनलाइन स्पीच और मीडिया को दबाने की कोशिश कर रही है जिसने फ्री स्पीच की सुरक्षा और गोपनीयता को खतरे में डाला है। टेक्नोलॉजी एक मदद और एक बाधा दोनों है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नौकरी के लिए जो इश्तहार छापा है उसे पढ़कर कोई भी यही कहेगा कि ये नौकरी का विज्ञापन कम और मोदी के खिलाफ सुपारी लेने वालों को बुलावा ज्यादा है। अब इसके कुछ और पॉइंट्स देखिए। अपने विज्ञापन के जरिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक तरह से कहने की कोशिश की है कि नौकरी के लिए अप्लाई वही कैंडिडेट करें जो भारत सरकार के खिलाफ लिख सके, सत्ता परिवर्तन की उनकी कोशिशों में अपना योगदान दे सकें। इस जॉब पोस्टिंग में अखबार ने ये तक लिखा है कि वैसे तो भारत जनसंख्या के मामले में चीन को टक्कर दे रहा है, लेकिन फिर भी विश्व मंच पर बड़ी आवाज बनने की महत्वाकांक्षा रखे हुए है। जब इतने से मन नहीं भरा तो आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीन के खिलाफ कार्रवाई को भारत का एक ड्रामा कहा गया है जो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सीमा और राष्ट्रीय राजधानियों के भीतर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स उन लोगों को भी नौकरी पर रखने के लिए तैयार है
जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, पढ़ लीजिए क्या लिखा है। कुछ समझ में आया आपको? न्यूयॉर्क टाइम्स का जॉब पोस्ट पढ़कर और उसमें भारत और भारत सरकार के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों को देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे इस अखबार को भारत से कोई समस्या हो। ये सारे शब्द बताते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स का असल मकसद क्या है, इसका ऑर्डर कहां से आ रहा है, इसकी बात आगे करेंगे। पहले इसी अखबार के कुछ और सैंपल देख लीजिए। My name is Kunal Kamra. I'm a stand-up comedian from India. My government has no ज्यादा दिन नहीं बीते इसी अखबार ने मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को अपना मंच दिया था। 6 मिनट का वीडियो बनवाया था बिना फैक्ट चेक किए। वीडियो में अनाप शनाप बोला गया, झूठ फैलाया गया। कोविड फॉरगॉट टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ ओपिनियन पीस की टैगलाइन दी गई, मोदी कॉज्ड ए कोविड मैसेकर। गंगा नदी के किनारे रेत में दबी लाशों को कोरोना से जोड़ा गया, प्रधानमंत्री मोदी को झूठा तक बता दिया गया। कुंभ को लेकर आधे अधूरे फैक्ट के साथ नफरत फैलाने वाली पटकथा लिखकर फैलाई गई। ये सिर्फ कुछ सैंपल्स हैं। पूर्वाग्रह से पीड़ित और मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने वाले ऐसे एक नहीं सैकड़ों लेख इंटरनेट पर मौजूद हैं। भारत में मौजूद मोदी विरोधी ऐसे लेखों को हाथों हाथ लेते हैं, उसे खूब फैलाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के पीएम को हटाने वाली एंटी मोदी स्क्रिप्ट राइटर ढूंढता है और कांग्रेस की टाइमलाइन पर सेम टू सेम वही लाइन चिपका दी जाती है। इस गेम में एक नहीं कई खिलाड़ी हैं, सब आपस में मिले हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ये खबर छापता है कि कोविड के केस पड़ने के बाद मोदी की मुखालफत करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हेडलाइन के नीचे बीजेपी के एक कार्यकर्ता गोविंद पासी की तस्वीर लगाई जाती है और उसे कोट करके झूठी स्क्रिप्ट चिपका दी जाती है। रॉयटर्स ने अपने इस लेख में इस बीजेपी कार्यकर्ता के हवाले से लिखा कि वो बीजेपी की सरकार से आतुर हो चुका है और उसे प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिपोर्ट में बार बार ये नैरेटिव देने की कोशिश की गई कि 2022 के यूपी इलेक्शन और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की हार कंफर्म है। मगर जब यही गोविंद पासी नाम का शख्स कैमरे पर आया तो रॉयटर्स की झूठी थ्योरी पकड़ी गई। इस बीजेपी कार्यकर्ता ने ना सिर्फ ये आरोप लगाया कि उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर छापा गया ताकि प्रधानमंत्री मोदी की छवि धूमिल की जाए, बल्कि उसने ये तक कहा कि उसका बयान लेने के लिए रॉयटर्स के पत्रकार ने उसे मदद की पेशकश भी की थी। और जब इस न्यूज एजेंसी का झूठ पकड़ा गया तो उस पत्रकार ने इसका फोन उठाना तक छोड़ दिया। आप भी बहुत गौर से सुनिए इस शख्स ने क्या कहा। जो पत्रकार आए थे वो लोग यही बात पूछ रहे थे, तुम यही सब कुछ बतावा रहे, अब वो क्या लिखे क्या नहीं ज्यादा तो हमको नहीं क्या लिख रहे क्या नहीं लिख। वो तो बढ़ा छापा, हमने इस विषय में कुछ, हम तो सांसद जी का नाम नहीं लिया, अब ये चीज हमको थोड़ी बताए कि मतलब ये लिखा। हम एक आधे बार फोन भी किया उन लोगों को, तो वो साहिल कोई था तो फोनों नहीं उठाए, लगते नहीं वो कुछ कहूँ दूर बताओ तो कुछ बताओ कि हमारा का खबर बनाओ का हमको भेज दो व्हाट्सएप पे, तो हम देख ली। श्रद्धा तो बराबर बनी रहेगी। किसके लिए श्रद्धा बनेगी? हमारे बनी रहेगी श्रद्धा ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन लोगों की वजह से हम पंचन श्रद्धा बनी। सुन लिया आपने, रॉयटर्स ने खबर छापी कि गोविंद पासी नाम का कार्यकर्ता मोदी और योगी से नफरत करने लगा है, मगर खुद गोविंद ने कहा कि उसकी श्रद्धा प्रधानमंत्री मोदी और योगी के लिए ही है। बात बहुत साफ है, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, रॉयटर्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो या कोई और पश्चिमी मीडिया हो, कोरोना काल में मोदी को घेरने के लिए और भारत को बदनाम करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ पहले दिन से ही काम हो रहा है। वो बात दूसरी है कि खुद इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह है। उदाहरण के तौर पर मई 2021 का फैक्ट चेक करने के लिए जब हमने अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की क्रेडिबिलिटी पता की तो स्टैटिस्टा नाम की वेबसाइट पर मालूम चला कि अमेरिका के 28% रीडर्स न्यूयॉर्क टाइम्स को बिल्कुल भी क्रेडिबल नहीं मानते। 19% ने इसके बारे में सुना जरूर है मगर कोई राय नहीं देना चाहते, जबकि 3% तो ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं न्यूयॉर्क टाइम्स है क्या। हमने आपको ये फैक्ट सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि आप समझ सकें कि जिन देशों में ये अखबार छपते हैं खुद वहीं के लोग उस पर भरोसा नहीं करते।
ऐसे में सवाल उठता है कि भारत विरोधी और मोदी विरोधी लेख लिखने और छापने का आइडिया इन्हें कहां से और क्यों आता है? मोदी की पॉपुलैरिटी से पश्चिमी मीडिया को इतनी जलन क्यों होती है? इसका जवाब आपको इन हेडलाइंस में मिल जाएगा, क्योंकि पूर्वाग्रह से पीड़ित ऐसे मीडिया हाउसेज बाकायदा सुपारी लेकर लेख लिखते हैं। मसलन फॉक्स न्यूज की यह हेडलाइन देखिए, चीन के स्टेट मीडिया ने अमेरिकी अखबारों को एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए करोड़ों रुपए दिए। न्यूज एजेंसी ANI ने भी सेम टू सेम यही खबर छापी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सरकार के मुखपत्र ने अमेरिकी अखबारों को कथित तौर पर लगभग 142 करोड़ रुपए का भुगतान सिर्फ विज्ञापन के लिए किया था, वो भी 4 सालों में। वॉल स्ट्रीट जनरल को 44 करोड़ से ज्यादा, वॉशिंगटन पोस्ट को 34 करोड़ से ज्यादा और न्यूयॉर्क टाइम्स को 37 लाख से ज्यादा की रकम दी गई। ये सिर्फ कुछ नाम है, ऐसे नामों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। विदेशी अखबार के ऐसे कारनामों से उसकी अपनी हालत का पता जरूर चलता है जो चीन से पैसे लेने को मजबूर है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि पीएम मोदी देश के हिंदुओं को सशक्त बना रहे हैं, जो भारत की बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांतों के खिलाफ है। विदेशी अखबार का यह भी कहना है कि भारत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करने में भी लगा है, जबकि इस बात के सबूत क्या है वो इसे कभी नहीं बताता। विदेशों में जो छप रहा है वो सिर्फ एक इंटरनेशनल साजिश नहीं, बट कथा तो देश के भीतर भी लिखी जा रही है। राहुल हर रोज सुबह उठकर एक ट्वीट चिपकाते हैं और वैक्सीन पर झूठ फैलाकर एंटी मोदी मोर्चे को माइलेज देते हैं। राहुल की देखा देखी कांग्रेस पार्टी के दूसरे ट्विटर हैंडल्स भी एक्टिव हो जाते हैं। लगातार फॉल्स नैरेटिव चलाया जाता है। राहुल को पता है विदेश में मोदी को घेरा जा रहा है, इसलिए देश में मोदी को घेरने के स्क्रिप्ट वो लिखते हैं। हर रोज अलग अलग थ्योरी लेकर पहुंच जाते हैं। राहुल वैक्सीन वाला सवाल तो पूछते हैं, मगर ये नहीं बताते कि भारत रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कर रहा है। अब राहुल ये बताएं कि क्या ये बिना वैक्सीन के पॉसिबल हो सकता है? सभी राज्यों को एडवांस में वैक्सीन की सप्लाई के बारे में बताया जा चुका है। जुलाई तक 12 करोड़ डोज उपलब्ध करा दिए जाएंगे, मगर पता नहीं राहुल और कांग्रेस को क्या हुआ है कि वो नॉन स्टॉप बिना वजह के सिर्फ एजेंडा चला रहे हैं, देश को फैक्ट्स नहीं बता रहे। तो क्या कांग्रेस और राहुल गांधी जानबूझकर भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पंक्चर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? पर्दे के पीछे का सच तो ये है कि तमाम मुश्किलात के बावजूद दुनिया के हर सर्वे में मोदी नंबर 1 पर बने हुए हैं। देश पर लोगों का भरोसा कायम है और यही बात ना तो राहुल से बर्दाश्त हो रही है और ना ही पश्चिमी मीडिया को मोदी की कामयाबी पच रही है। एक ड्रोन से अचानक भारत और पाकिस्तान में मनमुटाव अचानक बढ़ गया। जो थोड़ी बहुत शांति की कोशिशें हुई थीं, वो इस्लामाबाद में ड्रोन साजिश के बाद रुक सी गई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हॉटलाइन एक्टिव है। भारत पाकिस्तान से बार बार पूछ रहा है इस्लामाबाद के सबसे सिक्योर जोन में आखिर ड्रोन कैसे आ गया, जिसके जवाब में इस्लामाबाद में सन्नाटा पसरा हुआ है। पाकिस्तानी जनरल बाजवा ने सुरक्षा पर मीटिंग बुलाई और इमरान खान लापता हो गए। यह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के रवाना G5 डिप्लोमेट एनक्लेव का मैप है। इस सेक्टर में दुनिया के अलग अलग 43 एम्बेसी और हाई कमीशन है। भारत के दूतावास के पास स्पेन और ब्रिटेन की एम्बेसी है। थोड़ी दूर पर अमेरिकी एम्बेसी भी है। ये इलाका पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है, जहां पर एक छोटी सी गलती भी इंटरनेशनल न्यूज तक बन जाती है। लेकिन इसी सेक्टर में भारतीय दूतावास के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन उड़ा। इस्लामाबाद में इस ड्रोन को या तो पाकिस्तानी सेना ISI या आतंकी संगठन कंट्रोल कर रहे थे। ये ड्रोन हाफिज सईद का प्लान भी हो सकता है, आतंकी मसूद अजहर की साजिश भी हो सकती है। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो सरेआम भारतीय दूतावास पर ड्रोन उड़ाने लगा है। पहले जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से हमला हुआ, फिर बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन का बार बार आना और अब इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास पर भी ड्रोन का डेंजर। इस्लामाबाद से जम्मू तक पाकिस्तानी ड्रोन की खतरनाक साजिश दस्तक दे रही है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान से ड्रोन एक्टिविटी एकदम बढ़ गई है। इमरान सरकार, पाकिस्तानी सेना, आतंकी संगठन कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं, जिसमें सबसे अहम रोल ड्रोन का है। जिस रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन से हमला हुआ, ठीक उसी रात इस्लामाबाद में स्थित भारतीय दूतावास पर भी पाकिस्तानी ड्रोन मंडरा रहा था। 26 जून की रात 10:15 भारतीय दूतावास के ऊपर ड्रोन नजर आया और 26-27 जून की रात 1:40 पर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर धमाका हुआ। एक ही रात में दो दो जगह पाकिस्तानी ड्रोन का मौजूद होना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। 26 जून को पाकिस्तान के भारतीय दूतावास में
भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की रिहर्सल चल रही थी। उसी दौरान करीबन वक्त था 10:15 का। दूतावास में काम करने वाले सभी अधिकारी और उनके परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे। ऐसे में आसमान में एक यूएवी दिखाई दिया। तुरंत ही इससे पहले कि भारतीय दूतावास में काम करने वाले सिक्योरिटी पर्सनल चौकन्ने होते, वो पूरी रेकी कर वापस चला गया। ऐसे में पाकिस्तान को भारतीय दूतावास ने औपचारिक तौर पर इसकी कंप्लेंट भी की है। भारत ने पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने ड्रोन मामले का कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान में भारतीय मिशन के अंदर ड्रोन दिखाई दिया। इस्लामाबाद के हाई सिक्योरिटी जोन में ऐसी घटना से भारतीय दूतावास पर खतरा मंडरा रहा है। जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी ड्रोन साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में सुबह करीब 4:25 पर ड्रोन देखते ही बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस ड्रोन को बॉर्डर पार कराने की कोशिश की जा रही थी। सुरक्षा बल अलर्ट थे। फायरिंग होते ही ड्रोन तुरंत वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गया। एक्सपर्ट के मुताबिक ये पाकिस्तान का सर्विलांस ड्रोन था। इससे भारतीय सीमा पर जासूसी की जा रही थी। ड्रोन पर बीएसएफ के जवानों ने 10-15 फायर किए। इससे पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में जो ड्रोन अटैक हुआ था, उसके पीछे पाकिस्तान और हाफिज सईद के हाथ होने के सबूत मिल गए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बताया कि ड्रोन हमले में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। जितना इनिशियल एविडेंस सामने आया, उसके हिसाब से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और बाकी जो पहलू हैं इसके अलग-अलग वो तफ्तीश के दौरान देखे जाएंगे कि ड्रोन पार से उड़ा या फिर बॉर्डर के आसपास से या इंटरनली कहीं से उसको उड़ाया गया। फिर इंडिकेशंस हैं कि लश्कर-ए-तौबा का इसमें हाथ शामिल है, क्योंकि लश्कर-ए-तौबा लगभग दर्जन से ज़्यादा गतिविधियां इस तरह की पहले कर चुकी हैं, जिसमें वेपन ड्रॉपिंग के केसेस भी हैं, आईडी भी जहां पर ड्रॉप करने के केस हैं, उसमें आरडीएक्स शामिल था। जो आईडी बनाई गई थी, ये आईडी एक स्पेशल तरीके से डिज़ाइन की हुई आईडी लगती है, जिसको पेलोड के माफक ड्रोन के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोन ऐसी तकनीक है जिसको बम गिराने के लिए ऑपरेट करना, नॉर्मल ड्रोन को आर्मर्ड ड्रोन बनाना इतना आसान नहीं है कि आतंकी किसी बाजार से खरीद कर तैयार कर लें, बल्कि इसके लिए ट्रेनिंग और खास किस्म के ड्रोन की जरूरत पड़ती है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को ड्रोन बेचे। चाइनीज ड्रोन में 20 किलो तक विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। ये 25 किलोमीटर तक ड्रोन से हमला कर सकते हैं। इसके अलावा बाजवा ब्रिगेड ने लश्कर को ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी है। इस ट्रेनिंग में ड्रोन से आईडी गिराना भी है। जिस तरह से इस्लामाबाद से लेकर जम्मू तक ड्रोन देखे जा रहे हैं, उससे साफ है कि आतंकी किसी हवाई साजिश को अंजाम दे सकते हैं। आतंकी ड्रोन को रोकना है तो उनकी तकनीक समझनी होगी। ड्रोन दो तरह से ऑपरेट होते हैं। पहला, रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए कंट्रोल करना। रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले ड्रोन को ट्रेस करना, जाम करना संभव है। दूसरा तरीका है ड्रोन में चिप लगाकर टारगेट फीड कर देना। ऐसे ड्रोन को जाम करना चैलेंज है। वहीं जब ड्रोन कम ऊंचाई में उड़ते हैं तो वो राडार में भी नजर नहीं आते हैं। इस्लामाबाद में भारतीय एम्बेसी पर ड्रोन देखे जाने के बाद इतना क्लियर कट है कि ड्रोन के पीछे डायरेक्ट तौर पर पाकिस्तान का हाथ है। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर ड्रोन को लेकर क्या चल रहा है, ये भी जानना जरूरी है। आप देखें कि जौहर टाउन में आपने बंदे पकड़े, 4 पकड़े, अगले दिन उन्होंने ड्रामे शुरू कर दिए कि जी ड्रोन उड़े हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर। और आपको पता है, मुझे पता है, वो जो ड्रोन दिखा रहे हैं अपने चैनल्स पे, वो ग्वाल मंडी में 1.5 लाख रुपए के मिलते हैं और उनकी मैक्सिमम 30-40 की फ्लाइट होती है। ये वो वेपन वाले ड्रोन ही नहीं है, वो बहुत बड़े साइज के होते हैं। और इनके तो मॉडल्स भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन से मॉडल के और कितने का है और इसकी बैटरी टाइम क्या है। और इतनी अंदर ये जा ही नहीं सकता, इसका मतलब है कि वहां से बैठ के कोई उड़ा रहा है। अरे बाबा तुम मत करो, ये मुझे लगता है कि एक स्क्रिप्ट तैयार है कि किसी तरह पाकिस्तान को अब एंगेज करना है। नेक्स्ट टारगेट अब मुझे पाकिस्तान लग रहा है खुदा ना खास्ता, ताकि पाकिस्तान अगर टारगेट होता है तो सी पैक हर तरह से रुक जाता है, BRI हर तरह से रुक जाता है और फिर वो हो नहीं सकता उस पर काम। पाकिस्तान की ड्रोन साजिश पकड़ी जा चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान LOC पर शांति समझौता करता है, दूसरी तरफ ड्रोन से हमले भी करता है। पाकिस्तान जानता है उसके गुनाहों की सजा भारतीय सेना जरूर देगी। पाकिस्तान में हलचल भी बहुत तेज है। इतना ज्यादा पैनिक है कि पाकिस्तानी आर्मी को नेशनल सिक्योरिटी की बैठक बुलानी पड़ी, जिसको खुद जनरल बाजवा हेड कर रहे हैं।
कौमी सलामती से मुतालिक पार्लियामानी कमेटी का इजलास आज हो रहा है और इजलास में अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इन कैमरा इजलास में मुल्की दाखिली सूरत हाल भी जेर गौर आएगी। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पार्लियामानी लीडर्स इसमें शरीक होंगे, जबकि आर्मी चीफ जनरल खबर जावेद बाजवा भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं और जरा के मुताबिक DGISI कौमी सलामती से मुतालिक पार्लियामानी कमेटी को ब्रीफिंग भी देंगे। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में ऐसी इमरजेंसी बैठक की गई थी और एक बार फिर वैसा ही माहौल है। दूसरी तरफ लाल टोपी यानी जैद हामिद, जिसको बाजवा ब्रिगेड की आवाज तक कहा जाता है, उसने भारत पाकिस्तान युद्ध की स्क्रिप्ट लिखनी भी शुरू कर दी है। भारत की जानिब से जंग की तैयारियां अब जुनून की हद तक पहुंच चुकी है, उस पर तवज्जो दें जरा। लद्दाख में 2,00,000 माउंटेन डिविजन्स, 2,00,000 की फौज जो सारे माउंटेन डिविजन हैं, गिलगित बल्तिस्तान के सामने लाकर उसने खड़े कर दिए। दूसरी जानिब राजस्थान के रेगिस्तानों में वो बाकायदा पैरा ब्रिगेड्स को ड्रॉप करने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो हमारी सफों के पीछे पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप करेंगे। उनके इन्फेंट्री ब्रिगेड्स और डिविजन्स रेगिस्तान की गर्मी में पाकिस्तान की सरहद के नजदीक ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वक्त इनको किसकी बद्दुआ लगी है कि इतनी खौफनाक जंगी तैयारियां कर रहे हैं? किसके लिए? हमें भारत से उसी जबान में बात करनी है जिस तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। उसकी डिसइंफॉर्मेशन वॉर इतनी शदीद हो चुकी है कि वो ड्रोन, जो सो कॉल्ड ड्रोन हमले जो जम्मू एयरपोर्ट पे हुए, उसको अक्वामे मुत्तहिदा तक ले गया और हमने लाहौर में होने वाले धमाके की अभी तक जिम्मेदारी भारत पर सरकारी तौर पर नहीं डाली है। हम इस कदर डिफेंसिव और पैसिव क्यों हैं? जनरल बाजवा एंड पाकिस्तानी लीडर्स के बीच सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ, ये बाहर नहीं आने दिया गया। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस अहम बैठक में इमरान खान नहीं पहुंचे। इंतहाई अहम मामलात पर जो आज ब्रीफिंग दी जा रही है, प्राइम मिनिस्टर इस ब्रीफिंग में शरीक नहीं है। 2019 में भी ऐसी एक ब्रीफिंग हुई थी, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर शरीक नहीं हुए थे। क्या वजह है? प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, कोई तकब्बुर है, अना का मसला है कि वहाँ ऑपोजिशन के लोग होंगे, ऑपोजिशन के लीडर्स होंगे, हाथ मिलाना पड़ जाएगा, क्या वजह है? आपको नहीं लगता कि शिरकत करनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर को इतने आम सेंसिटिव जो मामलात हैं उन पर? जी बिल्कुल शिरकत करनी चाहिए थी, लेकिन आप मेरे से अगर 10 दिन पहले या 1 साल पहले भी, तो मैं यही कहता कि वो कभी भी शिरकत नहीं करेंगे और ये उनकी नेचर का हिस्सा है। उनकी जो भी है वो एक क्या कहना चाहिए, एरोगेंट है या क्या है। इवन जब वो ऑपोजिशन में भी थे तो उस वक्त भी किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे। दिस इज मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 2019 कोविड की वजह से तो बिल्कुल ही नहीं मिलाएंगे, लेकिन फरवरी 2019 जब कोविड का नाम भी नहीं सुना था और इंडिया ने अटैक किया था, आपको याद है। हाँ। और इतना सेंसिटिव मामला था, एक उस वक्त भी बिल्कुल ऐसी सिमिलर ब्रीफिंग थी और उस ब्रीफिंग में था ये नई शिरकत की थी। पाकिस्तान का रिएक्शन बता रहा है भारत से क्या एक्शन होने वाला है। जिस तरह से पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है उससे साफ है ड्रोन साजिश का जवाब पाकिस्तान को जल्द मिलने वाला है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।